ट्रैक्टरों से श्रृंखला बनाई गई थी, क्या उद्देश्य था और कितना सफल रहा है आपका? और ये ठीक रहा, सब लोग हरिद्वार से लगा कर इस रोड पे यहाँ तक थे, ये ठीक रहा। जिस तरह से श्रृंखला बनाई गई थी, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर थी जगह खाली विराज को लेकर, और कहीं खाली रहा वो आगे भर देंगे उसको, अब देख कर कहाँ खाली रहा। क्या चेतावनी दी इसके माध्यम से? चेतावनी ये दी है कि दिल्ली की तरफ को इनका मुंह है, कभी भी दिल्ली आ सके। क्या कहेंगे, शंभू बॉर्डर पर भी किसान जो है लगे हुए हैं, किस तरह लगे हुए हैं? पूरे देश का किसान लगा हुआ है, उद्योगपतियों की सरकार है, बहुत मुश्किल बन रही है, व्यापारी है, अगर सौदा देना कुछ ना कुछ तो उसका भी एक घंटे लोग को तो सौदेबाजी करे उसकी भी। क्या मांग थी? क्या मांग है? MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली के इशू हैं, भूमि अधिग्रहण है, ये इशू है हमारा। चार तेरह महीने से ऊपर चलेगा इस बार भी, क्या पता कितने दिन चलेगा, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। आज 5 घंटे की जो है आंदोलन चला है किसानों का सड़कों पर, तो क्या आगे इसके बाद आज कोई रणनीति? अभी देखेंगे इसके, हम फिर बातचीत करेंगे और आगे का क्या निर्णय होगा। सरकार पर कितना असर पड़ेगा पता नहीं भाई, हमें तो कितने घंटे का आज प्रदर्शन? 5 घंटे 11 से 4। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।